बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसे हम सभी पढ़कर बड़े हुए हैं। महादेवी वर्मा के गीतों में रचा डॉक्टर नेहा दीक्षित से। बुद्ध की करुणा, मीरा की वेदना, सूर का संगीत, छायावादी काव्य की सौंदर्य चेतना, जिस कवित्री के काव्य में एक रूप हो गए हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहे जाने का गौरव प्राप्त है। आधुनिक काव्य के श्रृंगार में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया। महादेवी वर्मा के काव्य में रस, भाव, सौंदर्य, ताल, छंद इत्यादि सांगीतिक तत्वों की यथार्थ परक चेतना का संचारमय आंदोलन जन जन के हृदय को स्पर्श करता प्रतीत होता है। परंतु इस सांगीतिक चेतना का शास्त्रीय सांगीतिक तुला पर उपादेयता वास्तव में उनके गीतों को एक नव आयाम प्रदान करने में सक्षम है। महादेवी जी का काव्य संगीत की मधुरता से परिपूर्ण है। इनके गीतों में नारी हृदय की कोमलता और सरलता की अभिव्यक्ति बड़ी ही मार्मिकता से हुई है। करुणा और भावुकता महादेवी जी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं थीं। महादेवी जी की रचनाओं में नारी सुलभ, गहन भावुकता और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। महादेवी जी द्वारा उनकी बाल्यावस्था में लिखित एक बारह मासा, जो कि उन्होंने मात्र 9 वर्ष की अवस्था में लिखा था, प्रथम आयाम पुस्तक में संग्रहित है। राग पीलू के आश्रय में अत्यंत सुमधुर रूप से यह अत्यंत कर्णप्रिय प्रतीत होता है। बोल हैं, माँ कहती आषाढ़ आया है, काले काले मेघ घिर रहे। महादेवी जी द्वारा रचित एक देश गीत उनकी निज देश के प्रति गहरे समर्पण व प्रेम को अभिव्यक्त करता है, जो कि सांगीतिक रूप में राग भैरवी का संसर्ग पाकर अत्यंत प्रभावशील बन पड़ा है। इस देश गीत के बोल हैं, सिर मोर सा तुझको रचा था विश्व में करतार ने। महादेवी जी के गीतों का काव्य सौंदर्य उनकी शब्द मर्यादा, शब्द विन्यास एवं शब्द सौष्ठव पर आधारित है। उनकी कविता में भावानुकूल विशेषता उपयुक्त शब्द संयोजन से उत्पन्न हुई है, जिसके कारण एक प्रवाहात्मक लय की स्वतः अनुभूति होती है। महादेवी जी के गीतों में अत्यधिक माधुर्यता, ओज, प्रसाद गुण व ललित शैली की उपस्थिति के कारण गीत अत्यंत सुमधुर व कर्णप्रिय बन पड़े हैं। महादेवी जी द्वारा रचित गीत जिसमें उन्होंने परमात्म सत्ता के द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रति कातर स्वर में भावपूर्ण आग्रह प्रश्न किया है, राग मारवा के विन्यास में सांवेगिक अतिरेक को व्यक्त करता है, जिसके बोल हैं, दिया क्यों जीवन का वरदान। महादेवी जी
छायावादी युग की प्रतिनिधि कवित्री व वेदना पद की अनन्यतम साधिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई। महादेवी जी की सलीला संपन्न कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीकित, दीपशिखा व संधिनी जैसी कृतियां सहज मानवीय पीड़ा तथा वेदना विदग्ध अनुभूतियों की प्राणवान अभिव्यंजना को व्यक्त करती हैं। डॉक्टर मोतीलाल राठौर जी के शब्दों में महादेवी जी के गीतों में सस्वरता, संगीतात्मकता, छंद, लय, तालबद्धता तथा रस परिपूरित भावात्मक अनुभूति सहज ही दर्शनीय होती है। उनके गीत सांगीतिक समस्त विशेषताओं से परिपूर्ण यथा गीयता, तुकांतात्मकता, छंदात्मकता व संगीत परक शैली में पूर्ण रूपेण नियोजन योग्य है। उनका एक गीत पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन आज नयन आते क्यों भर भर संधिनी पुस्तक से इन्हीं विशेषताओं को प्रकाशित करता है। पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन आज नयन आते क्यों भर भर पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन सकुच सलज खिलती भाव और चिंतन दोनों की अधिक सहज स्वाभाविक प्रतिच्छाया लोकगीतों में दर्शनीय होती है। यदि हम भाषा, भाव, छंद आदि की दृष्टि से लोकगीत और काव्य गीतों की सहायता के साथ परीक्षा करें तो दोनों के मूल में एक सी प्रवृत्तियां दर्शनीय होंगी। महादेवी जी ने अपने गीतों के माध्यम से लोकगीत परंपरा को मानो जीवंत कर दिया हो। ऐसा ही एक गीत वर्षा ऋतु के सजीव चित्रण को राग खमाज के आश्रम में अत्यंत मधुरता प्रदान करता प्रतीत होता है। गीत के बोल हैं, कहां से आए बादल काले कजरारे मतवाले। अन्य गीत भी ऋतु प्रभाव में ऐसी ही अनुशंसा को व्यक्त करता है व लोक धुन का विन्यास गीत को और भी अधिक मधुर स्वरूप प्रदान करता है। इसके बोल हैं, लाए कौन संदेश नए घन लाए कौन संदेश। लाए कौन संदेश देवी जी द्वारा रचित सुंदर मार्मिक गीतों का शास्त्रीय संगीत रूप में निरूपण अर्थात सांगीतिक मूल तत्वों यथा स्वर, लय, ताल, छंद, राग के
के साथ ही गीतों के मूल तत्व यथा भाव, शब्द, रचना, छंद विधान दोनों ही पक्षों का संयोजन उनके गीतों को शास्त्रीय विधान अनुसार विभिन्न शास्त्रीय शैलियों में निबद्धता का भी मार्ग प्रशस्त करता है। उनका एक गीत धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, राग बसंत त्रिताल में द्रुत ख्याल की निबद्धता के साथ कुछ इस तरह से मुखरित होता है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, गीतों को शास्त्रीय कलेवर में सांगीतिक संदर्श के अंतर्गत स्वर, लय, ताल, राग के साथ ही मानवीय भावनाओं की प्रभावशीलता, मर्म स्पर्शता, विशिष्ट सूक्ष्म संवेदनशीलता के संयोजन की उपलब्धता वर्तमान समय में उनके गीतों के हेतु प्रबुद्ध शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए निश्चय ही एक महत्वपूर्ण वैकासिक उपक्रम सिद्ध होगा। उनका एक गीत आज तार मिला चुकी हूँ, राग वृंदावनी सारंग विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्धता के साथ अत्यंत सुग्राह्य दृष्टिगत होता है। आज तार मिला, आज प्रकार से महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखे हुए गीत सांगीतिक विन्यास में शास्त्रीय संगीत के मानकों के अनुरूप भी अत्यंत प्रभावशाली व जनसाधारण के लिए सुग्राह्य व मनमोहक प्रतीत होते हैं। यह कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के गीत उसी तरह से प्रासंगिक हैं जिस तरह से पूर्व में वह मधुर स्वर लहरियों के साथ सुगम आवरण में गाए जा सकने योग्य थे और आज शास्त्रीय कलेवर में प्रयोग धर्मिता के साथ प्रयोग करे जाने योग्य हैं। मैनो अभी हम इतनी मीठी स्वर में डॉक्टर नेहा दीक्षित से सुन रहे थे सुधारण वार्ता। महादेवी वर्मा के गीतों में रचा बसा संगीत आपको कैसा लगा अपने पत्र के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन अब घड़ी की जो सुइयां कह रही हैं अब विदा लेने की बात हो रही है, तो चलिए अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए सीमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।